नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आज बात कर रहा हूं सावधानियों पर। जब तक आपको ये नहीं पता होता कि आपके जीवन में प्रॉब्लम कहां से और क्यों आ रही है, तब तक आप अपने लाइफ में सफल नहीं हो पाते। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि सावधानी कहां और किस प्रकार से रखनी है। जैसे हर किसी को हाथ नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्योतिष ऐसा मानती है कि हाथ देखने वाला व्यक्ति आपके भाग्य की चोरी भी कर सकता है। हर किसी को कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाग्य की चोरी की जा सकती है। और अगर इसको हम अपवाद माने तो एक और बात है कि हर कोई अगर हाथ और कुंडली देख करके आपके मन मस्तिष्क में कोई बुरी बात डाल लेने में भी सक्षम हो गया तो भी तो आपको नुकसान है ना, तो भी तो आपका ह्रास हो रहा है ना। कोशिश करें कि अपनी कोई भी ऐसी वस्तु उपयोग करने को किसी को ना दें जिसको आप पहन चुके हो और उसे धुले ना। ज़्यादातर आप गलती करते हो कि पुराने कपड़े दान करते समय आप पुराने ही दान करते हो, जबकि सही तरीका है कि पुराने कपड़ों को सबसे पहले आप धुले फिर दान करें। पहने हुए कपड़े कभी भी किसी को नहीं देने चाहिए, उससे ऊर्जा अच्छी और बुरी आगे प्रदान होती है। कभी भी किसी भी सूरत में, चाहे कितना भी आपको आवश्यक काम क्यों ना हो, आपको अपने घर में अपनी रसोई में जूठे बर्तन रात्रि में नहीं रखने चाहिए। इससे दरिद्रता बढ़ती है, इससे आपके घर से बरकत समाप्त हो जाती है, इससे बुरी शक्तियां आपके घर में ज़्यादा अच्छे तरीके से आवाहित होती हैं। कितना भी आपको जल्दी हो फिर भी आपको आटा गूंध कर नहीं रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने बहुत बार सुनी होंगी और ये सब नहीं करना चाहिए। इसके पीछे तथ्यात्मक एक सिस्टम है। ग्रह नौ ही क्यों होते हैं, आपने कभी सोचा है ये बात? बताता हूँ। तीन देवता प्रमुख जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन उनकी शक्तियां, और तीनों के बीच का जो बल है जिसको आप महाशक्ति बोल सकते हो, तीन का संयोग जब आप तीन से करते हो तो तीन त्रिका नौ होता है। ये कटती नहीं संख्या, पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्म की संख्या नौ है, आठ माया की संख्या है। न्यूमरोलॉजिकली हर एक संख्या का अपना एक मतलब है। राशि 12 ही क्यों होती है, 15, 18, 20, 25 क्यों नहीं? मोक्ष का अगर योग करो तो 3 आता है। नक्षत्र 27 ही क्यों होते हैं, 55 क्यों नहीं? उसका अगर योग करो तो 9 आता है, 7, 2, 9। हर एक चीज के पीछे कोई मतलब है, कोई कारण है। कुछ भी चीज बिना मतलब के नहीं है। नक्षत्र 27 है, अगर योग करो उनको आपस में जोड़ दो, 7 और 2, 9 होता है। भैया समझने की कोशिश करो, 9 ही ग्रह हैं। और देखो सारी चीजों का योग करो, 12 राशियां, 9 ग्रह, तो 21 होता है। फिर आप 3 पर आ जाते हो। हर एक चीज का अपना एक मतलब है, अपना एक कारण है। बिना कारण के कोई चीज नहीं होती। आपके घर में नजर लगती ही तब है जब आप किसी न किसी रूप में जूठन या जूठा बाहर कहीं फेंकते हो। जबकि आपको सही तरीका है किसी भी जानवर को, किसी भी पशु पक्षी को सही तरीके से डाला जाए, पैरों में ना पड़े। आपके घर में नजर लगती ही तब है जब आप किसी न किसी रूप में अपने धुले हुए कपड़े, बिना धुले कपड़े बाथरूम में घंटों पड़े रहते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट हो रही है, आपको पता नहीं है। आपके घर में नजर लगती ही तब है जब आपके घर में पुराना सामान फालतू का बिना मतलब का पड़ा है, आपको लगता है कभी यूज करेंगे। बस आपने नकारात्मकता को आवाहन कर लिया है। ध्यान रखना, जिसके घर में मैक्सिमम सामान भरा होगा, लोग कम हो सामान ज्यादा हो, देखते ही आप बता दीजिएगा किसके घर में संकट और मुसीबत ज्यादा है, सुख कम है। वास्तुशास्त्र कहता है कि आप जितना ज्यादा हो सके आप खुला रखें, हवा आने जाने की व्यवस्था रखें, जितना ज्यादा हो सके आप ओपन चीजों को रखने की कोशिश करें, स्पेसियस रखने की कोशिश करें तो आपको अच्छा होगा। आप क्या करते हो? आप भरने की कोशिश करते हो, आप बहुत भर देते हो, बुरा लगेगा और इससे नकारात्मकता आएगी, आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता के लिए आवश्यक है कि हर एक चीज का, छोटी छोटी चीजें भी बहुत ध्यान में रखने की होती हैं।
किचन में एक ही बर्तन में दो चीज़ें नहीं बनानी चाहिए बिना धुले, कर लेते हैं लोग। शास्त्र कहता है पानी भी गर्म करने के बाद उसको बर्तन को धुलना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए ऐसा? पानी की निगेटिविटी गर्म करने से समाप्त तो होती है, तो जाती कहाँ है समाप्त होके? बर्तन में। एक बार उसे क्लीन कर लें, साफ कर लें पानी से ही सही, फिर उसको करें, आप तो देखिएगा बहुत परिवर्तन आएगा। अगर आपके अपने जीवन में प्रेम समाप्त हो रहा हो, अगर आपके अपने जीवन में आपसे लोग ईर्ष्या द्वेष पाखंड कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, तो आप सीधा सीधा एक बात समझना, कहाँ कमी कर रहे हो पता है? आप अपने जो अंदर पहनने वाले कपड़े हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो छोटी सी बात है पर काम बड़ा करती है। अगर आपका अपना व्यक्ति आपको डिच कर रहा है, चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, तो 100 में 100% मान जाना आप कि कहीं ना कहीं दोस्ती की आड़ में आपने ऐसा कुछ बुरा कर्म किया है जिसका ये दुष्परिणाम है जो आपको मिल रहा है। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए? कर्मावली का बड़ा प्रभाव पड़ता है ज्योतिष पर। ज्योतिष पता है अपने आप में बहुत कंप्लीट शास्त्र है, इसमें इतना कुछ भरा पड़ा है कि आप उसे उपयोग ही नहीं कर पा रहे, भ्रमित होते हैं, ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं जिनको ज्योतिष का जा भी नहीं पता। अरे चुनाव करते समय थोड़ा चिंतन तो करो, किसी की बातचीत सुनो तो सही। आप परेशान हो आपको नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप समझ नहीं सकते। तो चलो अगर ये जानकारी आपको ठीक लगी हो तो और भी लोगों तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी है आपकी। हम और आप दोनों मिलकर इस चीज को बेहतर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0808-1426-940।